हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में हम बात करेंगे। देखो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपका 8 तारीख को है ही, और 10 तारीख को आपका उसका डब्ल्यूओ का और स्टैटिक्स का पेपर है, और 21 तारीख को आपका टीयर 3 है। आज यहाँ पे हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो एग्जाम जितना ही नज़दीक आता है, उतना ही आप अपने ऊपर प्रेशर लेते चले जाते हैं, तो उसको कैसे आपको ओवरकम करना है और कैसे आपको बिल्कुल नॉर्मल वे में, जैसे एक आप मॉक टेस्ट देते हैं घर पर बैठकर, वैसे ही समझ के आपको पेपर दें, और ये सब चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए, और इसमें हम आपको ये भी बता देंगे कि आपको अटेम्प्ट तो बेसिकली मैं आपको बता ही चुका हूँ, और यहाँ भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ कि कितना आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा। बेसिकली मैं बता चुका हूँ, बहुत डिटेल वीडियो है, 50,000 के आसपास व्यू हो चुका है उस वीडियो पर, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा उसको। और अभी यहाँ पे हम बात करते हैं केवल कॉन्फिडेंस लेवल की। और मान लीजिए आप मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं, आपके नंबर उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं, मतलब 150-160 के अराउंड आपके नंबर आ रहे हैं, और आपका सिलेक्शन मतलब 150-160 पर लगता है आपको, टीयर 1 में आपके नंबर कम है, उस बेस पे लगता है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, तो उस बेस पे आपको क्या करना है। अब देखो, 2 दिन बचे हैं, कुछ आपके अब तो आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ नहीं सकते, तो अब आपको ध्यान ये रखना है। देखिए, अब आप अपनी रिवीजन बुक उठाइए, जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे सबकी रिवीजन, जो रिवीजन कॉपी होती है, सॉरी रिवीजन बुक नहीं, रिवीजन जो कॉपी होती है जो आपने बनाई होगी, उसको रिवाइज करिए आप, ठीक है, रिवाइज करिए उसको ही, उसके जितने भी आपने क्वेश्चन लिखे होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लिखते हैं, मतलब जिस पे आप फंसते हैं, तो उसका सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन देखिए कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, और आपको उसको बार बार पढ़ना है। अब देखो, आज 6 तारीख हो गई, 7-8 को पेपर ही है आपका, तो आपको लगातार इसको पढ़ना है, केवल पढ़ना है। आप जब उसको रीडिंग करेंगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली माइंड में आएंगे, जिससे आप अपने माइंड को कन्फर्म करेंगे कि भाई हाँ, इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन बैठता है, तो हमें इसको ऐसी बेस पे करना है। देखो, एग्जाम में होता क्या है, क्वेश्चन आता है तो आप जल्दबाजी में पैटर्न चेंज कर जाते हैं, क्योंकि जो आप पैटर्न पे आपने काम किया होता है वो पैटर्न आप लगभग छोड़ देते हैं। तो क्या, क्यों छोड़ देते हो, क्योंकि आपकी हार्ट बीट तेज होती है, आपका थोड़ा सा माइंड जल्दी जल्दी काम सोचते हैं आप, जल्दी से पेपर हो जाए, टाइम कम है, इन सब चीज़ों। देखिए, आपको 100 में से 100 अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, आपको 80 से 90 के बीच अटेम्प्ट करने होते हैं, एक्यूरेसी 90% के आसपास रहे, तो मतलब जिससे आपका सिलेक्शन डेम श्योर हो जाए, आपकी रैंक भी ठीक आ जाएगी, और ये हो जाएगा। तो 100 में से 100 कोई क्वेश्चन नहीं करता है, और ना ही करते हैं बहुत से लोग, लेकिन आपको उस चीज को लेकर प्रेशर नहीं लेना है कि भाई हमें पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन देखने जरूर है, और 2 राउंड में आपको पेपर करना है। कितने राउंड में? 2 राउंड में। पहले राउंड में आपका पेपर होना चाहिए जो इजी क्वेश्चन है, जो देखते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और सॉल्यूशन भी जल्दी हो जा रहा है, उन क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से कर लीजिए। दूसरा राउंड आपका वो होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन आपको लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन हम कर ले जाएंगे, फिर उस क्वेश्चन को वहां पे करना ले चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, इनकेस अगर टाइम बचता है, तो आप उन क्वेश्चन को देखिए जो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन पर टाइम दीजिए, आ जाए तो ठीक, लेकिन तुक्का नहीं मारना है। मैथ में तो तुक्का कैसे भी नहीं मारना है, मैथ में तुक्का मारा भी नहीं जाता है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट आंसर निकलता है। देखिए, आपने पैटर्न 2018 का पढ़ रखा होगा, 18 से लेकर 21 तक का पैटर्न आपको पता है मेंस का कैसा है, तो उसी पैटर्न पे आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। बस डिफिकल्टी जो आएगी वो आएगी कैलकुलेशन में, टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया तो आपका टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से अच्छा हो गया होगा, और नहीं भी ये मान लो कहीं क्लिच आ जाता है, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे तो 100% है, आप वहां भी अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम हॉल से पहले आपकी जो नर्व सिस्टम है वो बहुत तेजी से धड़कता है, और ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है, जिससे आप कहीं ना कहीं लो फील करते हैं, तो उससे कैसे निजात पाई जाए। देखिए, जिसका मन हो वो ये काम कर सकते हैं, जिसका मन ना हो वो ये काम ना करें। देखिए, 2 घंटे का पेपर है, आपको 1 घंटे पहले बुला लिया जाता है, मतलब 1:45 पहले बुला लिया जाता है, और आपको वहां पे बैठना होता है 45 मिनट, ठीक है, वो 45 मिनट आपको कहीं ना कहीं बहुत कमजोर कर देता है, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ती है, आप सोचते हैं तमाम चीज की। तो कोशिश ये करना है कि देखो, जब आपको उससे निजात पता है तो हाई कैफीन लेके जानी है। हाई कैफीन का मतलब होता है आप कॉफी ले सकते हैं, वो कॉफी कब लेंगे, जब आप एग्जाम हॉल के सेंटर पे आप जा रहे हैं,
उससे पहले एक 5 रुपए का पाउच लेके कॉफी का जाइएगा, उस कॉफी के पाउच को आप पानी में डाल के पी जाइएगा, जिससे क्या होगा, हाई कैफीन रहेगी। हाई कैफीन होने से आपका क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल कर देगा और आपकी एनर्जी को इम्प्रूव कर देगा। तो जिससे क्या होगा, जो आपकी जो आपका सिकनेस इन द सेंस, जो आपका हाथ हिलता है या आपको डर लगता है किसी चीज, तो आपको फील नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, फील नहीं होगा। ये बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि एनर्जी ड्रिंक कोई भी पी के जाइए, मैं मान के चलता हूँ एनर्जी ड्रिंक से कहीं बेस्ट है आप कॉफी पी के जाइए, और कॉफी 5 रुपए का जो पाउच आता है पूरा पीना है उसको, क्योंकि तभी आप, क्योंकि नहीं तो अगर आप 2 रुपए वाला पियेंगे तो आप 30 मिनट में फिर से लो फील करने लगे, तो 45-5 वाले आप पी के जाएंगे। और अगर दूध के साथ पीते हैं, अगर दूध तो वहाँ बेसिकली मिलेगा नहीं, लेकिन पानी के साथ पीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ लो फील नहीं होगा और आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। और एग्जाम हॉल में आप ऐसे करके बैठते हैं, मैं भी बैठता था ऐसे, नहीं बैठना, इससे क्या होता है कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस में कमी आती है। तो ये कुछ आपके मेंटली चीजें हैं जिनसे आपको बचना है, आपको एनर्जेटिक रहना है वहां पे, और कोशिश करना बगल वाले जब तक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता थोड़ा बहुत टॉक कर लो, और एग्जाम से रिलेटेड टॉक नहीं करना है। ये नहीं पूछना है कि आपका कितना अटेम्प्ट हुआ, कौन सा अटेम्प्ट है, कितने बार आपका पेपर, नहीं, आपको अनोन चीजें पर बात करनी है, जिससे क्या होगा आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। माइंड डाइवर्ट रहेगा तो आप जब पेपर में जाएंगे तो आपका माइंड एग्जैक्टली उसी पे काम करेगा, ठीक है। तो ये चीजें कुछ साइकोलॉजिकल है, इनको आपको फॉलो करेंगे आप, और एग्जाम में अगर फॉलो करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट रिजल्ट आपका आएगा। और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत हो रहा है वो भी आप कहीं ना कहीं, अगर आपको नॉलेज है उस चीज की और आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप वो भी कर ले जाएंगे। तो बस इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है, जो मैंने बताया है 5 रुपए की कॉफी आप जरूर लेके जाइए अपने पाउच में, और उसको जरूर रखिएगा, जिससे क्या होगा जब आप एग्जाम सेंटर से पहले जाएं, निकल अंदर जाएं, तो उससे पहले उसको पी कर जाएं, और उसमें कोई आपको नुकसान करने वाला है, हाँ आप जिनको आप कुछ प्रॉब्लम है तो मत वो मत पिए, लेकिन इच्छा अनुसार पीना है मेरे हिसाब से, नहीं जिसको जो मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से है, अगर आपको पीना है तो आप पी सकते हैं, और जिससे आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील होगा, वहाँ पर एनर्जेटिक फील होगा। बहुत से स्टूडेंट्स रेड बुल का प्रेफर करते हैं, रेड बुल भी ठीक है, लेकिन रेड बुल में इतना पैसा खर्च करने की 120-130 रुपए का आता है, उससे सब 5 रुपए में जो काम हो रहा है वो इतने क्यों खर्च करना, और उससे ज्यादा कैफीन देता है वो, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की, देखिए इंग्लिश जो है वो आपकी रीडिंग पर डिपेंड करेगी। देखो 200 क्वेश्चन आने, 2 घंटे रहने हैं आपको इंग्लिश में, आपको क्या करना है, बहुत अच्छी रीडिंग आपकी होनी चाहिए, और आपको क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देखो एक ही बार आप पेपर देख पाएंगे इंग्लिश का पूरा, ये बात आपको कन्फर्म पता है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको टाइम से आते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद अगर आप उस टाइम आपके बचता है तो फिर आप दोबारा से आइए, जिसमें आप 50-50 हो, ऑप्शन काट सकते हैं तो उस बेस पे आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ में आप ऑप्शन नहीं काट सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आप ऑप्शन काट के कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं देखते हैं अटेम्प्ट बेस में, क्योंकि अटेम्प्ट इनका लगभग लोगों का समान ही जाता है। तो मैं मान के ये चल रहा हूं कि अगर आप मैथ में 80 के आसपास अगर अटेम्प्ट करके आते हैं, मेरे हिसाब से 80 से 90 के बीच अटेम्प्ट करके आते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, आपके 160-165 के आसपास अराउंड बचते हैं, तो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा आपका जनरल के लिए। ओबीसी थोड़ा थोड़ा यहाँ से, एससी वाले भी अपना थोड़ा थोड़ा कम कर ले उस बेस पर। इंग्लिश में आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, अगर इंग्लिश का लेवल अच्छा आ रहा है तब तो ठीक है, डाउन सबका जाएगा तो सबका जाएगा, लेकिन इंग्लिश में पर अगर इजी हुआ तो कम से कम आपके नंबर 180-170 होने चाहिए, तभी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये आपके लिए अटेम्प्ट बेस पे अटेम्प्ट बता दिया कि कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब ये फील करके मत जाना कि हमको इतना ही अटेम्प्ट करना है, नहीं, आपको ये जान देख सोच के जाना कि हमको पेपर देना है, और पेपर कैसा देना, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा पेपर देना हमको, बस। आप अगर ये सोच के जाएंगे कि हमें इतने अटेम्प्ट करके जाना, तो हो सकता है आप उससे कम ही कर पाए। आपको अगर ये सोच के जाएंगे कि हमें पेपर अच्छा करना है, तो हो सकता है आप 5 क्वेश्चन और अच्छे अटेम्प्ट कर जाएं ज्यादा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले से अपना माइंड मेकअप मत कीजिएगा कि मुझे इतने क्वेश्चन करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप कहीं ना कहीं कम ही क्वेश्चन करके आएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ये साइकोलॉजिकल चीज होती है और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है आपके एग्जाम सेंटर पर भी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा ही इंग्लिश में होता है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने होंगे, और मैंने जो चीज समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, हम कल वीडियो फिर बनाएंगे 7 तारीख को, और मैं सर आपको करनल बाईपास पे जिनका भी पेपर है दिल्ली के अंदर,
कर्नल बाई फरिश्त आपका नागली पूना के पास, मैं वहाँ जाऊँगा और आपका ही रिव्यू लूँगा। मैं पहुँचूँगा वहाँ पे 8 तारीख को, नांगली पुणे कर्नल रोड पे जो है दिल्ली के अंदर, मैं वहाँ पहुँचूँगा। जो लोग भी सेंटर पे वहाँ पे पहुँचे तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जिनका यहाँ पर सेंटर पेपर हो नांगली पुणे पे, तो मैं वहाँ पहुँचूँगा और आपसे मुलाकात भी करूँगा और आपका रिव्यू लूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप लोग अपना रिविजन करते रहिएगा और स्ट्रेस फिक्स मत कर लीजिएगा। जब स्ट्रेस आए तो आप वेब सीरीज देख लीजिए, असुर देख लीजिए, आप पृथ्वीराज चौहान देख लीजिए, बहुत सी आप सीरीज हैं वो भी प्रेफर कर सकते हैं लास्ट टाइम में, क्योंकि जिससे आपको कहीं ना कहीं उसमें आप फंस ना जाए कि आपका पेपर है पेपर है पेपर है, तो उस बेस पे। और अगर आप कर सकते हैं तो आप पढ़ते जाइए, थोड़ा बहुत देखते जाइए, ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है और पीके क्लासेस हमेशा आपके साथ है। जो भी कमेंट है जो भी है, अब यहाँ पे मैंने SC ST वालों को नहीं बताया है, देखो ST ST वालों का आप कम भी जाएंगे 150-150 भी जाए तब भी आपको सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप लोग ध्यान रखिए और खुश रहिए और कॉपी का पाउच लेके जरूर जाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।